सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इजी टोटके को और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाह के नाम से दिलों के भेद खूब जानता है। देखते हैं उनका सुनते कानू आपको शाहजा अकरम का सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप सबके दुआ अल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आजकल बाज़ार में कच्चे आम जो है वो काफ़ी आए हुए और अच्छे आए हुए हैं। अभी मैं इसकी चटनी बना रही हूँ जो कि बहुत मज़े की बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आम जो है उनको पील ऑफ करूँगी, उनका छिलका उतारूँगी। छिलका मैंने इनका उतार लिया है। अभी आप इनको किसी भी साइज़ में कटिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में इनको काट लें। ये देखिए मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इनको काट लिया है। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक टीस्पून जो है वो साबुत ज़ीरा लेना है, उसको हमने थोड़ा सा कूट लेना है। एक कढ़ाई में यहाँ पे हमने एक चम्मच देसी घी लेना है और वो जो हमने ज़ीरा इसको बहुत बारीक नहीं करना, हमें दरदरा सा इसको पीसना है तो वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके साथ ही हाफ टी स्पून कलौंजी लेंगे, वो इसमें ऐड करेंगे। इनको हमने बस एक मिनट हल्का सा फ्राई करना है। यहाँ पे हमने जो अपने मैंगो काट के और अच्छे से धो के रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे। इसमें साथ ही हाफ टी स्पून काली मिर्च, एक कप के करीब तकरीबन इसमें चीनी डालेंगे। यहाँ पे आधा कप जो है वह इसमें पानी डालेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने पकाना है मीडियम फ्लेम पे। मज़ेदार सी हमारी जो आम की चटनी है वो तैयार हो गई है और बहुत ही मज़े की बनी है, खट्टी मीठी सी चटनी। खट्टी मीठी सी कच्चे आम की जो हमारी चटनी है वो तैयार हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब इस दुआ के साथ के जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।